अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही क्यूट से फ्लैट निट स्लिपर्स। ये आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं, मैंने बेबी साइज में सिखाए हुए हैं। अभी जो मैं साइज सिखा रही हूँ वो 7 से लेकर 10-11 नंबर का जूता जो पहनते हैं उनको भी आ जाएगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्ट्रेची होते हैं, तो ज्यादा साइज जो बड़ी साइज पहनते हैं वो भी पहन सकते हैं। अंदर चले जाते हैं फिर खिंच जाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी नाप भी बताती जाऊंगी ताकि आप आसानी से इसको बना सकें। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें। 5 mm निडल ली है मैंने, 5 mm की सिलाई है और 3-ply वूल है। आप किसी भी साइज की सिलाई और धागा इस्तेमाल कर लें, सिर्फ नाप को और तरीके को फॉलो कीजिएगा जो मैं बताऊंगी। यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ एनी साइज ऑफ निटिंग नीडल एंड यार्न, जस्ट फॉलो मेथड एंड मेजरमेंट्स। आई एम यूजिंग DPNs जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, यू कैन यूज एनी स्ट्रेट नीडल्स। मैं DPNs जो है ना खाली सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो साइज मैं बना रही हूँ उसके लिए हम 22 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे। कास्ट ऑन 22 स्टिचेस विथ एनी मेथड यू नो। सिलाई पे फंदे डालने आप किसी भी तरीके से, अगर ये तरीका आपने इस्तेमाल करना है तो आप सर्च करें कास्ट ऑन बाय क्लीड नेट्स। 22 फंदे डाल लिए हैं सिलाई पे, 22 स्टिचेस आई हैव हेयर। आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस रो 1, पहली सिलाई फंदे डाल लेने के बाद एक फंदे को हमने स्लिप करना है और बाकी सारे फंदों को सीधा बुन लेना है आखिरी फंदे तक। एक फंदे को स्लिप किया, सारे सीधे बुन लिए, अब आखिरी फंदे को उल्टा बुनेंगे। नाउ पर्ल द लास्ट स्टिच। देखें, निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। अब आप यही एक सिलाई रिपीट करते जाएंगे, फिर मैं आपको नाप बताती हूँ, उसके बाद हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। नाउ रिपीट दिस रो 1, देन आई विल शो यू द मेजरमेंट्स एंड बिफोर एडिंग द अदर कलर। लेट मी शो यू वंस मोर टू हेल्प बिगिनर। बिगिनर की हेल्प के लिए मैं फिर से एक दफा बता देती हूँ, दूसरी सिलाई भी पहली सिलाई की तरह ही होगी। एक फंदा हमने स्लिप करना है और बाकी सारे फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। स्लिप 1 एंड निट ऑल स्टिचेस टू द लास्ट स्टिच, आखिरी फंदे तक हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं। सारे फंदे सीधे बुन लिए, आखिरी को उल्टा बुन लेंगे। नाउ पर्ल द लास्ट स्टिच। अब इसको थोड़ा सा आपने खींच लेना है क्योंकि यहां से हमने फंदे डाले हैं ना, तो थोड़ा सा लूज होता है। नाउ जस्ट कीप रिपीटिंग रो 1। तो इस तरह की आपको गार्टर स्टिच की रिजेस मिलेंगी, ये देखें ये वाली। 5.5 इंच तक मेरे पास इसकी लेंथ आई है निडल के नीचे से। 5.5 इंच लेंथ आई हैव, 4.5 इंच विड्थ है हमारे पास, ये देखें 4.5 इंच विड्थ है। विड्थ और लेंथ आपको पता चल गई है। अब राइट साइड से सीधी साइड से हम दूसरा कलर मिलाएंगे, कलर भी रो 1 निट ऑल स्टिचेस। सारे फंदे सीधे बुन लेंगे दूसरे कलर के साथ, ये देखें, लुक एट दिस। ये इनको इस तरफ फंसाना है, ये नीटनेस के लिए है। सारे फंदे सीधे बुन लें दूसरे कलर के साथ, इसको हम रो 1 बोलेंगे। रो 1 कंप्लीटेड कलर बी के साथ, दूसरे कलर के साथ पहली सिलाई पूरी हो गई है। और रो 2 विथ बी कलर रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस। सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे और पहला फंदा थोड़ा सा टाइट आपने बुनना है दोनों साइडों से। सारे फंदे उल्टे बुन लें, दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड। रो 2 कंप्लीटेड, ये देखें, इसको थोड़ा सा आप टाइटली खींच लेंगे क्योंकि यहां से हमने धागा मिलाया है ना। अब थर्ड रो निट ऑल स्टिचेस, तीसरी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। अब मैं यहाँ पे स्लिप क्यों नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम ये वाले पार्ट सीएंगे, तो आप बस सारे फंदे सीधे बुनते जाएं।
निट ऑल स्टिचेस थर्ड रो। थर्ड रो कंप्लीटेड, सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब फोर्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। फोर्थ रो रॉन्ग साइड। फोर्थ रो कंप्लीटेड, चौथी सिलाई पूरी हो गई है। हमने क्या करना है, चार सिलाइयां हमने बी कलर में बुनी, अब चार सिलाइयां हम ग्रीन कलर में, कलर ए में बुनेंगे। अब राइट साइड फिफ्थ रो, ये देखें धागों को पीछे कर लें, ठीक है। फिफ्थ रो राइट साइड निट ऑल स्टिचेस विथ कलर ए। पांचवी सिलाई सीधी साइड, आपने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। पांचवी सिलाई पूरी हो गई है, फिफ्थ रो कंप्लीटेड। सिक्स्थ रो छठी सिलाई उल्टी साइड निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। छठी सिलाई यहाँ पे पूरी हो गई है। अब सातवीं और आठवीं सिलाई भी हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। सेवेंथ रो निट ऑल स्टिचेस, सातवीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। एट्थ रो निट ऑल स्टिचेस, आठवीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। और आठवीं सिलाई पूरी हो गई है, एट रो कंप्लीटेड। अब यही आठ सिलाइयां रिपीट करते जाएं, इसी तरह कलर बदलते जाएं। चार सिलाइयां इसमें, चार सिलाइयां इसमें, ये देखें ये स्टॉकनेट स्टिच है और ये गार्टर स्टिच की दो रिजेस मिलेंगी। बस यही चार आठ सिलाइयां रिपीट करते जाएं, आपके पास पांच जो हैं इस कलर में लाइनें होंगी स्ट्राइप्स, और चार इस कलर में गार्टर स्टिच की स्ट्राइप्स होंगी। मैं आपको रिपीट कर लेती हूँ, फिर मैं नाप के भी दिखाऊंगी। रिपीट दीज एट रोज टिल यू हैव फाइव स्ट्राइप्स इन दिस कलर बी एंड फोर स्ट्राइप्स इन दिस कलर ए। 5.5 इंच तक इसकी भी मुझे इधर लेंथ मिली है, निडल के ऊपर से नाप रही हूँ, लेकिन अगर खींचेंगे तो ये और स्ट्रेची हो जाता है, क्योंकि इसमें स्टॉकनेट स्टिच है और गार्टर स्टिच साथ में है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप किसी और साइज के लिए बना रहे हैं, किसी और साइज की सिलाइयाँ और उनसे बना रहे हैं, तो आप क्या हिसाब रखें। हो सकता है कि मेरे पास देखें ये पांच स्ट्राइप्स इस कलर में हैं और चार इसमें हैं, आपके पास हो सकता है ज्यादा स्ट्राइप्स आए, कम स्ट्राइप्स आए। वो सिलाई और ऊन की साइज पे भी तो डिपेंड करता है ना, तो आप नाप को फॉलो करेंगे। बट आपने और एक चीज का ख्याल रखना है कि इधर भी आपका जो है कलर बी आएगा, इधर भी आपका कलर बी आएगा, क्योंकि अगर आपने ग्रीन कलर पे स्टॉप किया तो जाहिरी बात है इधर से आपने ये भी तो ज्वाइन करना है ना। और देखें अगर ये अंदर हम इसको छोड़ दें तो ये पांच से कम है, ठीक है, तो ये खिंचता है, ये स्ट्रेची है और ये अंदर चला जाता है, ये इस चीज का ख्याल रखिएगा आप। या आप यूं भी कर सकते हैं, ये देखें ये हिसाब है। 5.5 inches लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड मेक श्योर दैट कलर बी शुड बी हेयर एंड एट द एंड, बिकॉज आफ्टर निटिंग 5.5 inches वी आर गोइंग टू निट गार्टर स्टिच इन द ग्रीन कलर अगेन फ्रॉम दिस साइड। अब राइट साइड नेक्स्ट रो वी आर गोइंग टू निट गार्टर स्टिच इज दिस वन। जैसे हमने ये वाला हिस्सा बुना है ना, अब सेम ऐसा वाला हिस्सा यहां से बुनेंगे। ये देखें आप, चार सिलाइयां मैंने इसकी भी बुनी है इस स्ट्राइप की। तो नेक्स्ट रो, रो वन फॉलो लेंगे फिर से ग्रीन वाला, निट ऑल स्टिचेस, निट ऑल स्टिचेस टू द लास्ट स्टिच एंड पर्ल द लास्ट वन। देखें अब ये जो ग्रीन साइड से, हाँ ग्रीन के से हमने कलर ज्वाइन करना शुरू किया है ना, तो यहाँ पे नहीं कर रहे थे, एक स्लिप कर रहे थे और आखिरी उल्टा बुन रहे थे, करेंगे यही। बस अभी कलर ज्वाइन किया है तो इसलिए मैं इन सारों को सीधा बुन रही हूँ, आखिरी को मैं उल्टा बुनूंगी। यही पहली सिलाई है, धागे को आगे करके ये मैं फंदा जो है वो उल्टा बुन लूंगी, वो इसलिए कि एजेस के लिए। स्लिप वन निट ऑल स्टिचेस एंड पर्ल द लास्ट वन। एक फंदे को स्लिप किया, सारे फंदे सीधे बुने और आखिरी को उल्टा बुनेंगे। सारे फंदे सीधे बुन लिए, अब आखिरी को यहां पे उल्टा बुनूंगी, थोड़ा सा यूं इसको कर ले। जस्ट कीप रिपीटिंग दिस वन रो, स्लिप वन निट ऑल स्टिचेस एंड पर्ल वन टिल यू हैव सेम लेंथ एज हेयर। इसी तरह ही यही सिलाई रिपीट करते जाएं, पहला स्लिप करें, सारे सीधे बुनें और आखिरी को उल्टा बुन लें।
जब तक आपको उतनी रिजेज नहीं मिलती गार्टर स्टिच की या सिलाइयां जितनी आपने यहाँ रखी है, आप नाप को भी फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये स्लिपर होगा, यहाँ पे कंप्लीट करना है। 5.5 इंचेस तक मैंने इस तरफ से भी बुन लिया है गार्टर स्टिच, 5.5 इंचेस। और एक तरफ की साइड आपके पास है ना, तो इसकी भी सिलाइयां उतनी ही होंगी। अगर 24 ये गार्टर स्टिच की लाइनें यहाँ पे हैं, तो 24 यहाँ पे, 24 गार्टर स्टिच रिजेस हेयर एंड 24 गार्टर स्टिच रिजेस हेयर, बट यू विल फॉलो द मेजरमेंट। सो 5.5 इंचेस लेंथ वी हैव हेयर एंड 5.5 इंचेस लेंथ वी हैव हेयर एंड 5.5 इंचेस हेयर। सो नाउ वी आर गोइंग टू बाइंड ऑफ। देखें यहाँ पे 5.5 इंचेस हमें लेंथ मिल गई है ना, ये वाले गार्टर स्टिच के वाले की पार्ट की भी। अब हमने क्या करना है, सीधी साइड से फ्रॉम राइट साइड निट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस। आप किसी भी तरीके से फंदे बंद कर सकते हैं। मैं ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है। दो फंदों को साथ बुनेंगे बट थ्रू बैक लूप। ये देखें इस तरह से नहीं, इस तरह से, ठीक है, बुन लिया। अब इसको वापस रखा, फिर से दोनों को साथ बुन लें। निट टू स्टिचेस टुगेदर थ्रू बैक लूप, देन पुट द लूप बैक स्टिच बैक, अगेन निट देम टुगेदर थ्रू बैक लूप, कीप रिपीटिंग दिस। इसी तरह सारे फंदे बंद कर लें। ये मैंने सेपरेटली भी बाइंड ऑफ सिखाया है, अगर आप बिगनर हैं तो आप देख लें। ये देखें दो फंदों को साथ बुनना है पीछे के लूप से, और फिर ये फंदा आएगा, इसको वापस रखेंगे, सारे फंदे इसी तरह बंद करते जाएं। सारे फंदे बंद कर दिए हमने। अब इसको धागे को हमने सिक्योर करके काट लेना है। देखें काटना उतना है जितना आपको सीने के काम आ जाए। धागा काट लिया है मैंने यहाँ पे, और ये वाला धागा भी काट लिया है। तो आपको ये पता है कि ये राइट साइड है, तो इसको हमने सीधा ही रखना है। अब तो हम यहाँ से लेकर इसको यूं सीएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे धागा फिक्स कर लेंगे बिल्कुल। ये देखें कोने पे धागे को फिक्स कर लेंगे पहले इधर। अच्छा, वैसे आपको कोई भी तरीका आता हो ना तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिलाई लगाने का। ये जो वी शेप देख रहे हैं आप, ये देखें इसकी ये बाहर वाली लेग। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको। ये देखें यहाँ से भी एक लेग आपने लेनी है वी शेप की, और ये भी वी शेप है ना। ये देखें ये भी वी शेप है ना, तो इसकी भी आपने बाहर वाली लेग लेनी है। अब इसी तरह से बाहर वाले लूप लेग बोल लें, लूप बोल लें, अब लेते और मिलाते जाना है। अगेन फिर से ये देखें यहाँ से, और ये देखें ये लूप है ना, वी शेप है ना इसका, ये लूप बाहर वाला। आपको ये दिखेगा क्योंकि देखें ये लाइन बाहर से जा रही है यहाँ से, और ये बाहर वाली लाइन जो जा रही है ना, वो वाले लूप आपने एक दूसरे के साथ मिलाते और खींचते जाना है। आपने साथ साथ खींचते जाना है ताकि धागा कहीं फंसे ना। यहां तक मैंने इसको सी लिया है उसी मेथड से। अब यहां से आप पकड़ के इसको यहां तक सीएंगे, पर थोड़ा सा चेंज आएगा। वैसे आप चाहें तो इसी तरह से भी सी सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वी शेप यहां से, वी शेप यहां से। यहां तक मैंने इसको सी लिया है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा फिक्स करूंगी इसको। फिक्स कर लेने के बाद, ये मैं इसलिए इसको फिक्स कर रही हूं ताकि मैं यहां से जब धागा डाल के इसको खींचू तो खींचे ना, मतलब यहां से ना खींचे, क्योंकि यहां से जब मैं खींचूंगी तो हो सकता है यहां से भी खींच जाए। तो हमने यहां पर धागे को फिक्स कर लिया, 2-3 दफा अपने हिसाब से इसको आप फिक्स कर लेंगे। अब रैंडमली यहाँ आपने इधर से लूप्स लेते जाने हैं। ये देखें ये लूप्स लेते जाने हैं। अगेन दो मैं यहाँ से ले रही हूँ,
और दो लूप यहां से ले रही हूं। के नीचे वाला पार्ट हमने सीके कंप्लीट कर लिया है, इसकी हील भी रेडी हो गई है। अब इसका ऊपर वाला हिस्सा हम सीएंगे, इसको फिक्स कर लेंगे बिल्कुल यहां पे एक पॉइंट पे, उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि खींचे ना धागा ताकि इधर टाका लगाना है, बट यहां पे दूसरा धागा हम ले रहे हैं तो इसीलिए भी इसको यहां पे फिक्स करना है। पहले नॉट लगा लेंगे ताकि खींचे ना, अब ये वाला धागा आप अंदर कर दे, बाद में इसको वेव इन कर लीजिएगा। यहां से हमने फिर से सेम तरीके से रेंडमली लूप्स लेते जाना है और फिर लूप्स पिक करके खींच के इसको बंद करेंगे। धागे को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, होल भी बंद हो गया है। अब मैंने क्या करना है, ये वाले धागे को बाहर की तरफ लेकर आना है, क्योंकि अब हम यहां से लेकर यहां तक इसको बंद करेंगे। तरीका वही होगा, ये जो गार्टर स्टिच की रिज देख रहे हैं ना आप, उसका कोना हम लेते जाएंगे, जैसे मैंने आपको इसका नीचे वाला हिस्सा सीके बताया, बस उसी तरह से एक एक कॉर्नर से लेते जाएंगे और बंद करते जाएंगे इधर। ऊपर वाला हिस्सा भी मैंने कंप्लीट कर लिया है सीके, और मैंने उतनी जगह छोड़ी है ऊपर के पैर अंदर चला जाए। धागे को सिक्योर करके काट लिया है, वेविन भी सारे रॉन्ग साइड पे कर लिए हैं। अब हमारा स्लिपर तैयार हो गया है, ये आप बनाइएगा जरूर और मेरे साथ इंस्टाग्राम क्लीनिट्स पेज पे तस्वीरें जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।